हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आई एम निशित चोटलिया फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिप्रेजेंटेटिंग द सेशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन 7 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, इन विच वी स्टार्टेड अवर फर्स्ट यूनिट डिज़ाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड वी आर डिस्कसिंग दी टॉपिक रोटर डिजाइन। सो नाउ एज प्रीवियसली वी कंप्लीटेड द डिजाइन ऑफ रोटर एंडिंग एंड ऑल दी थिंग्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एज ए हार्मोनिक इफेक्ट एंड रिडक्शन ऑफ द हार्मोनिक। क्लियर? ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, I would like to tell you that what do you mean by that harmonics? Clear? अगर हमें हार्मोनिक ही पता नहीं है तो हार्मोनिक इफेक्ट या फिर उसका मिटिगेशन हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट वी ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक एज ए इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक, मिटिगेशन ऑफ हार्मोनिक, बट दिस इज द एडवांस्ड डिजाइन सब्जेक्ट ऑफ मशीन, सो दैट वी शुड नो अबाउट द बेसिक फंडामेंटल रिगार्डिंग दैट प्रीवियस फंडामेंटल्स ऑफ दैट मशीन, सो दैट वी कैन डिजाइन द मशीन और वी कैन से दैट हाउ दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ द मशीन अफेक्ट्स द डिजाइन, सो दैट वी कैन मॉडिफाई अवर डिजाइन और वी कैन चेंज सम पैरामीटर्स लाइक अ स्पेसिफिक डिजाइन फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ एनी टर्मिनोलॉजी विच रिप्रेजेंटिंग इन द मशीन। सो एज प्रीवियसली इन योर फोर्थ सेमेस्टर एसी मशीन यू ऑलरेडी स्टडीड दैट हार्मोनिक्स एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक। सो basically what do you mean by that harmonic? So multiplier of the fundamental frequency, which means ki agar mera koi machine ki ya fir koi system ki fundamental frequency 50 hertz le raha hai, then if we are going to find its harmonic is third, then its fundamental frequency is multiplied by 3 of its fundamental. If it is 5, then it is 5 into fundamental. So number of harmonic n into fundamental frequency. Clear? Okay. So यहाँ पे harmonics क्या है जो हमें already पता है। ना हार्मोनिक्स की इफेक्ट क्या है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी एक है हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क, जो कि हम दूसरे नाम से उसे हम कोगिंग कहते हैं, एंड आफ्टर हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क विच इज नॉन एज ए क्रॉलिंग, एंड वाइब्रेशन टॉर्क और अ वाइब्रेशन, जो कि हार्मोनिक की वजह से ये तीनों इफेक्ट आपके मशीन के अंदर देखती है और उसे कैसे रिड्यूस करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। So let us start with the first topic is that harmonic induction torque or a cogging. Here let's suppose हमारी fundamental frequency, अभी आपको मैं बता दूँ कि हमारी system normally 50 hertz पे काम करती है, तो उसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, सारी discussion हमारी fundamental frequency के basis पे रहेगी। सो मान लो कि हमारे मशीन के अंदर मैं अगर बताऊँ कि भाई हमारा nth हार्मोनिक है, मतलब कि n इंटू एफ एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी n इंटू एफ एफ होगी। क्लियर? अगर हम वो चीज़ अभी हम नहीं देखते तो आपको nth हार्मोनिक के लिए अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में देखें कि nth हार्मोनिक, तो मशीन की स्पीड क्या होगी जो कि सिंक्रोनस स्पीड या फिर रोटर स्पीड की बात करें, क्योंकि ये चीज़ हमने स्टेटर डिज़ाइन में क्यों ली, सॉरी रोटर डिज़ाइन में क्यों ली, स्टेटर में क्यों नहीं ली, तो कि भाई आपका रोटर जो मूवमेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर,
at the time how its induction or synchronous torque affecting due to its supply or the provided rotor current, how it affects these leads from the harmonics और हारमोनिक की वजह से ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मान लो कि मैं अगर आपको बताऊँ कि भाई मेरे मशीन का एंथ हारमोनिक, मान लो कि अभी मैं थर्ड हारमोनिक की बात करूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, वन अपॉन एन, क्योंकि आपकी स्पीड के लिए अगर मैं बताऊँ तो ये इक्वेशन रहेगा फॉर दिस हारमोनिक। सो इट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे थर्ड हारमोनिक है तो स्पीड क्या रहेगी, वन थर्ड ऑफ, सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ सो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा थर्ड हार्मोनिक है तो उसकी स्पीड हो जाएगी वन थर्ड, क्लियर, या फिर रोटर स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड जो कि वन थर्ड हो जाएगी अगर हमारा थर्ड हार्मोनिक है। अगर हमारा फिफ्थ हार्मोनिक है एट दैट टाइम स्पीड शुड बी वन अपॉन फाइव, क्लियर। सो ये इक्वेशन उसके लिए भी एक इक्वेशन है कि भाई फॉर पर्टिकुलर हार्मोनिक की इफ़ेक्ट यहाँ पे हमारे इंडक्शन मशीन्स में कैसी रहेगी, तो वो आपका मिलेगा ऑन द इक्वेशन ऑफ दीज बेसिस सिक्स एन प्लस और माइनस वन, वेयर एन इज एन इंटीजर नंबर, क्लियर, एन इज इंटीजर नंबर। सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो आपका प्लस है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, प्लस मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस फोर रिवर्स डायरेक्शन, क्लियर। तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपका रिवर्स होगा, प्लस है तो कि फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मान लो मैं एन हार्मोनिक मेरा हुआ वन तो यहाँ पे इफेक्ट क्या बनेगी, एन इज इक्वल टू वन, सो इक्वेशन बनेगा सिक्स प्लस और माइनस वन, सो देट शुड बी फाइव और सेवन। सो इक्वेशन शुड बी लाइक और स्पीड शुड बी वन अपॉन, ये सब क्लियर कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा है, हाँ तो स्पीड अगर हम सिक्स एन प्लस और माइनस वन के बेसिस पे देखें थ्री सॉरी एन इज इक्वल टू वन तो फाइव और सेवन, तो यहाँ पे स्पीड होगी वन बाई फाइव, यहाँ पे स्पीड होगी वन बाई सेवन, क्लियर। तो ये हुई आपकी स्पीड और यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोनिक, क्लियर। तो उसकी वजह से फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से स्पीड वन फिफ्थ हो जाती है, सेवन्थ हार्मोनिक की वजह से वन बाई सेवन हो जाती है। जब यहाँ प्लस है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट इज़ इन फॉरवर्ड, यहाँ पे माइनस है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन रिवर्स, क्लियर। तो ये चीज़ आप थोड़ी आप अपने बुक में भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से उसकी स्पीड वन फिफ्थ हो जाएगी, सेवन्थ वजह से वन सेवन्थ हो जाएगी, लेट सपोज फिफ्थ हार्मोनिक हमारा सिंक्रोनस स्पीड मान लिया कि लेट सपोज देट शुड बी अ 1500 आरपीएम ऑफ इट्स स्पीड। सो 1500 आरपीएम है एट दैट टाइम, लेट सपोज अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इफ हमारी रोटेशन पर स्पीड जो कि सिंक्रोनस 1500 है तो उसकी वजह से 6n प्लस और माइनस वन मतलब कि फाइव, सिक्स माइनस वन मतलब कि फाइव, तो कि फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से यहाँ पे रिवर्स और सेवन्थ हार्मोनिक की वजह से फॉरवर्ड, क्लियर, ओके। और उसकी स्पीड क्या रहेगी, 1500 डिवाइड बाय फाइव, और फॉर इफेक्ट ऑफ सेवन्थ हार्मोनिक देट शुड बी 1500 डिवाइड बाय सेवन, सो देट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 214 पॉइंट समथिंग। फॉर फिफ्थ हार्मोनिक इट्स स्पीड शुड बी, सॉरी हाँ
300 rpm। सो इसके हिसाब से हम बताएं कि भाई उसकी स्पीड मान लो n इज इक्वल टू 1, तो एट दैट टाइम सेवंथ हार्मोनिक विल प्रोवाइड फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 214, एंड फिफ्थ हार्मोनिक प्रोवाइड रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन एंड स्पीड शुड बी 300 rpm। क्लियर। सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपकी स्पीड जो कि सेवंथ हार्मोनिक के लिए अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड 1/7 टाइम हो रही है, जैसे कि रनिंग स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1/7 टाइम ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड ड्यू टू दैट हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क इज नोन एज ए क्रॉलिंग। क्लियर। ओके, नाउ ये बात हुई क्रॉलिंग के लिए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंक्रोनस टॉर्क, क्योंकि उसके लिए ये बात हुई हमारी इंडक्शन टॉर्क की, अब हो रही है सिंक्रोनस टॉर्क। तो यहाँ पे जो भी आपका सिंक्रोनस टॉर्क है, तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है, इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट मैग्नेटिक लॉकिंग ऑल्सो। सो क्या होता है, प्रोस्टेटर और हार्मोन और रोटर हार्मोनिक आर ऑफ दैट सेम ऑर्डर एट दैट टाइम। वी कैन से दैट द नंबर ऑफ पोल्स दैट प्रोड्यूस इज दैट टॉर्क व्हिच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट्स स्पीड शुड बिकम्स सेम और एन इक्वल। सो स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड आर सेम ड्यू टू दैट स्टेटर मान लो ऐसे रोटेट होता है, रोटर भी ऐसे रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, एट द टाइम दोनों में कोई रोटेशन नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक लॉकिंग। क्लियर। सो ये बात हुई मैग्नेटिक लॉकिंग जो कि सिंक्रोनस टॉर्क की वजह से हो रहा है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइब्रेशन टॉर्क, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वाइब्रेशन टॉर्क किसे कहते हैं या फिर वाइब्रेशन क्यों आता है। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल चीज़ आपको भी पता है कि भाई जब रोटर मूव करता है तो उसके टीथ है वो भी साथ में मूव करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेटर टीथ। सो विच प्रोवाइड्स द पीरियडिकल वेरिएशन ऑफ दैट फ्लक्स डेंसिटी इन द स्टेटर एंड रोटर टीथ दैट results the effect of humming and whistling sometimes like sound which we don't want to hear is a noise, and kind of this humming sound like application basis पे देखे तो हमने इंडस्ट्री में या फिर कोई आप मशीन की बात करो तो हमने देखा है, इवन हमने कई बार लैब में भी ये चीज़ शायद एक्सपीरियंस की होगी कि भाई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता तो उसकी वजह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता तो उसकी वजह से जो कि हमिंग साउंड या फिर विसलिंग की आवाज़ आने लगती है, तो उसकी वजह से हार्मोनिक्स जो कि है वो वाइब्रेशन लाते हैं। सो वन अनदर थिंग फॉर द हार्मोनिक इफेक्ट जो कि है एक है कोगिंग, क्रॉलिंग और वाइब्रेशन टॉर्क या फिर हमिंग साउंड और वाइब्रेशन और विसल। क्लियर। और विसलिंग साउंड, सो यहाँ पे वाइब्रेशन हो सकता है या फिर विसल बच सकती है या फिर हमिंग साउंड आ रहा है, तो ऐसी जो इफेक्ट है वो वाइब्रेशन की इफेक्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हार्मोनिक की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। ओके, सो ये बात हुई हार्मोनिक की इफेक्ट। तो अब यहाँ फंडामेंटली इतना पता चल गया कि हार्मोनिक क्या है, कैसे आ सकता है या फिर वो कैसे आ गया, अब उसे हम रिड्यूस कैसे और हाउ वी कैन रिड्यूस दैट हार्मोनिक्स। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ द हार्मोनिक्स। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक
inverse of the harmonics. So there are basically three ways to reduce that harmonics, which are chording, integral slot winding and skew. Clear? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हारमोनिक्स में कोडिंग किसे कहते हैं, इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग और स्क्यूइंग किसे कहते हैं. सो ओके, सो यहाँ पे आपको बताऊँगा कि भाई हारमोनिक्स रिमूवल कैसे होता है. तो ये है कोडिंग की बात. तो कोडिंग किसे कहते हैं, तो कि भाई हारमोनिक MMF विच इज़ रिड्यूस्ड बाई दी रिड्यूसिंग द स्टेटर वाइंडिंग MMF. So that is achieved by the coding of that winding and using the number of integer number for that slot, integer number for slots per pole per phase. Clear? फिर से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे coding का मतलब क्या है. क्योंकि coding जो कि स्टेटर वाइंडिंग MMF की वजह से रिड्यूस कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, तो भाई हमारा जो भी स्टेटर स्लॉट्स है उसके लिए कोडिंग कैसे करते हैं कि भाई उसके नंबर्स है वाइंडिंग के वो कैसे रहेंगे, इंटीग्रल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज. क्लियर? ओके. वन अनदर थिंग दैट वी कैन यूज टू रिड्यूस दैट हारमोनिक is integral slot winding. That slot per pole per phase, that should be integer number or integral number. So because of that fractional slots per pole per phase, integral slot की बात कर रहे हैं कि fractional number होते हैं, that provides the asymmetricity of that MMF around its air gap. तो क्या होता है यहाँ पे कि भाई आपका जो भी स्लॉट्स नंबर है जो कि फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, तो क्या होगा, स्लॉट पर पोल पर फेज इज प्रोवाइड्स दी एसिमेट्रिकल MMF एट देयर गेप, विच लीड्स टू इफेक्ट ऑफ हारमोनिक्स. क्योंकि हमें पता है कि हारमोनिक की कोडिंग, क्रॉलिंग एंड वाइब्रेशन इफेक्ट्स आर देयर, नॉइस वी कैन ऑल्सो देयर देयर. सो उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल स्लॉट यूज करेंगे. बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर से क्या होगा, स्लॉट पर पोल पर फेज प्रोड्यूसेस द एसिमेट्रिकल MMF, एसिमेट्रिकल MMF. क्लियर? ओके. सो ये बात हुई इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यूइंग. क्लियर? So let us start with the topic skewing. Clear? So what do you mean by that? That हमें पता है कि भाई हारमोनिक की वजह से हमारे मशीन में या फिर पर्टिकुलरली इंडक्शन मशीन की बात चल रही है, तो नॉइस, वाइब्रेशन, क्रॉलिंग ऐसी इफेक्ट्स आ सकते हैं. सॉरी. सो रिड्यूसिंग that effect, we can skew the rotor or a stator. Because skew means slots को आप उसके जो भी rotor के ऊपर design करते हैं वो थोड़ी skew type की होती है. तो वो एक particular pattern में आप देखो तो यहाँ पर जो angle होता है वो आपका skewing angle होता है. Clear? तो ये जो design है उसे हम skew कहते हैं, जो कि स्टेटर पे भी कर सकते हैं, रोटर पे भी कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट टू डिस्कसिंग अबाउट दैट स्क्यूइंग. सो नॉर्मली द रोटर बार दैट शुड बी स्क्यू एट अ पर्टिकुलर एंगल विच इज एफिशिएंट टू कॉज द इंडक्शन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट हार्मोनिक EMF इन द ईच बार. सो that rotor bar that must skewed such a way that they are under the alternate harmonic pole of the same polarity. So they are skewed through the two pole pitches. Clear?
सो उसके लिए आपको एंगल ऑफ स्क्यू पता होना चाहिए कि भाई फिर पर्टिकुलर किस एंगल पे हम स्क्यू करेंगे, सो दैट वी कैन ऑब्टेन दिस थिंग्स. सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस इक्वेशन एज ए एंगल ऑफ स्क्यू. हाँ, एंगल ऑफ स्क्यू दैट शुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय एन इंटू पी. एंगल ऑफ स्क्यू और थीटा स्क्यू that should be 2 into 360 divided by n into p, where n is the number of harmonic. That should be 3, 5, 7, and p is the number of poles. Clear? तो यहाँ पे theta s k, चूंकि angle of skew और theta for skewing that should be 360 multiplied by 2, that should be 720 divided by n p into mechanical. What does it mean कि भाई mechanical angle और electrical angle में फर्क होता है, क्योंकि mechanical और electrical angle को एक दूसरे में convert करना चाहे तो divide by number of poles, या फिर pole के ऊपर से भी हम उसे justify कर सकते कि number of pole divide by 2, that should be your degree in electrical. So अगर हम mechanical to electrical angle में convert करते हैं at that time 720 डिवाइड बाई एन इंटू पी मल्टीप्लाई बाई मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल करते हैं तो वो बनेगा पी बाई 2. सो हमारा इक्वेशन कि थीटा एस के या फिर एंगल फॉर एस क्यू देट शुड बी 720 डिवाइड बाई एन पी इंटू पी बाई 2. सो इट इज इक्वल टू 2 टू कैंसल आउट. हाँ, 2 टू कैंसल आउट. सो देट शुड बी 360 डिवाइड बाई एन, यहाँ पे पी भी कैंसल आउट. So that should be 360 divided by n, angle of electrical or a degree electrical. Clear? So ये equation हुआ आपका theta s k is equal to 360 degree divided by n into electrical degrees. Clear? Okay. So अभी हमने क्या discuss किया कि भाई ये चीज़ हुई reducing or removal of the harmonics. Clear? So up till now we discuss the removal of the harmonics. So before starting new topic, I would like to recall what we studied today. Clear? So first of all, we studied that effect of harmonics, in which bogging crawling effect or vibration key effect, हार्मोनिक्स इंडक्शन टॉर्क एंड सिंक्रोनस टॉर्क क्या है वो आपको पता होना चाहिए. देन आफ्टर वाइब्रेशन क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए. देन आफ्टर रिमूवल ऑफ दी हार्मोनिक्स, इन विच व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग. देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय दैट इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल नंबर यूज़ करते तो उसकी वजह से आपका MMF एसिमेट्रिकल होता है. कोडिंग मतलब कि आपका स्लॉट पर पोल पर फेस है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए. और इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं कि फ्रैक्शनल में एसिमेट्रिकल होता है. देन आफ्टर थर्ड रिमूवल टेक्निक इज स्क्यूइंग, इन विच व्हाट वी डिस्कस दैट स्क्यूइंग मींस दैट रोटर और स्टेटर शुड बी स्क्यूड ऑन इट्स सरफेस एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्क्यूइंग दैट इज थीटा एस के. क्लियर? एंगल ऑफ स्क्यू that is equal to 360 degree, that is equal to 360 degree divided by n, where n where theta is in electrical degrees. Clear? So this is theta sk. Clear? तो ये हुआ harmonic reduction. तो आज हमने harmonic effect और removal of harmonic के बारे में पढ़ा. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा यूनिट फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन, उसके अंदर जो भी आपका ये फर्स्ट यूनिट है उसका अप्रोक्सीमेटली जो वेटेज है, जो कि 35% वेटेज है, तो उस हिसाब से देखें तो 4 मॉड्यूल दिए थे. फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑल अबाउट मेन डायमेंशन, सेकंड वन इज अबाउट स्टेटर डिज़ाइन, थर्ड वन इज़ फॉर रोटर डिज़ाइन, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन विच वी ऑलरेडी डिस्कस मेन डायमेंशन. Then after we completed the stator design, and as previously we also started the topics about rotor design, in which there are two types, squirrel cage and wound rotor, तो उसके बारे में भी हमने ये सारी चीज़ें बताई थी. और
इसके बाद जो कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक जो कि एक रोटर डिजाइन का ही टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स एंड रिमूवल ऑफ हार्मोनिक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट टॉपिक ऑल्सो, एंड हेंस वी कैन से दैट आवर थर्ड मॉड्यूल फॉर यूनिट फर्स्ट एज ए डिजाइन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन विच मॉड्यूल वन एज ए मेन डायमेंशन, मॉड्यूल टू एज ए स्टेटर डिजाइन, मॉड्यूल थ्री एज ए रोटर डिजाइन विच आर कंप्लीटेड. क्लियर. सो ये बात हुई, हमारे तीनों मॉड्यूल अभी तक खत्म हो चुके हैं. मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमने न्यूमेरिकल पोर्शन अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि सारी थियरी टॉपिक्स कवर होने के बाद सारी पैटर्न के एग्जाम्पल एक साथ हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट टुडेज वर्क, आई वुड लाइक टू गिव यू टुडेज वर्क फॉर योर होमवर्क विच इज क्वेश्चंस आर इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स एंड रिमूवल ऑफ हार्मोनिक्स. These both questions are for worksheet question. So today's work is all about worksheet questions, that effect of harmonic, and second question for worksheet is reduction technique or reduction methods for harmonic. Clear? अभी तक हमारा module 3 complete हो चुका है. Our next topic is operating characteristics for a particular machine. और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मशीन्स वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट सेशंस. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय. थैंक यू. जय हिंद. जय स्वामीनारायण.